हे गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये निसान टेरेनो पेट्रोल का कंप्लीट जनरल सर्विस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एंटायर सर्विस प्रोसेस डिटेल में डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड गाइस, ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में हम लोग इसका प्राइस शेयर करने वाले हैं। गाइस, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहेंगे। एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। नाउ गाइस, अबाउट मोटोफिक्स। मोटोफिक्स इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ न्यू एज कार रिपेयर वर्कशॉप, ऑफरिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल एंड हैसल फ्री रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर। विथ ओवर 100+ वर्कशॉप अक्रॉस 5 मेजर सिटीज, वी हैव 1.5 लाख हैप्पी कस्टमर्स। नाउ गाइस, इफ यू हैपन टू विजिट आवर वर्कशॉप, यू मे सी वी यूज लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, एंड वी हैव अ टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस टेकिंग केयर ऑफ योर कार एवरी टाइम। एंड गाइस, वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस, एंड वी ऑल्सो गिव रियल टाइम अपडेट ऑफ एवरी वर्क गेटिंग डन इन योर कार। सो एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ये सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी कॉस्टिंग डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इसका इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं। ये है 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल 3.5 लीटर्स। इसके दो कैन है हमारे पास। एक कैन का प्राइस है 1117 रुपीज़, एंड इस कार में 4.5 लीटर्स का क्वांटिटी जाने वाला है, तो फॉर 4.5 लीटर्स इट इज़ 1500 रुपीज़। जो हर टाइम हम लोग ऑयल चेंज करते हैं तो उसके साथ हम लोग ऑयल फिल्टर भी चेंज करते हैं। ऑयल फिल्टर का प्राइस है 229 रुपीज़। अभी हम लोग इस कार का AC फिल्टर और एयर फिल्टर इंस्पेक्ट करेंगे। अगर वो सर्विसेबल हुआ तो हम लोग उसे सर्विस कर देंगे, एंड अगर उसे रिप्लेस करना हुआ तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट होगा ओवर द जनरल सर्विस। सो प्राइस फॉर द एयर फिल्टर इज 550 रुपीज़, एंड AC फिल्टर का प्राइस है 470 रुपीज़। ना अगली चीज़ें हम लोग इस कार में टॉपअप करने वाले हैं, वो है डॉट फोर ब्रेक फ्लूड और कूलेंट। कूलेंट का प्राइस है 500 रुपीज़, एंड ब्रेक फ्लूड का प्राइस है 131 रुपीज़। सो गाइस, सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपकी कार को प्रोटेक्ट करते हैं। सो हम लोग दोनों फेंडर्स को फेंडर कवर लगाते हैं एंड सीट को सीट प्रोटेक्शन करते हैं। सो बिफोर दैट, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे हेड टेक्नीशियन मिस्टर अब्बू, जो इस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस करने वाले हैं। आपकी कार को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग दोनों फेंडर्स को फेंडर कवर लगाते हैं एंड सीट को कवर करते हैं। सो हर टाइम जब भी हमारे टेक्नीशियन आपकी कार में काम करते हो तो आपकी कार हमेशा सेफ रहनी चाहिए, उसका हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं। नाउ गाइस, अगले स्टेप में हम इस कार को हाइड्रोलिक रैम में ऊपर लिफ्ट करेंगे, इसके चारों व्हील बेयरिंग्स, बॉल जॉइंट और रैक प्ले इंस्पेक्ट करेंगे। अभी हम इसका फ्रंट का व्हील बेयरिंग चेक कर रहे हैं, और रैक में कुछ प्ले है क्या वो चेक कर रहे हैं, और बॉल जॉइंट में प्ले है क्या वो चेक कर रहे हैं। व्हील बेयरिंग में कोई प्ले नहीं है, बॉल जॉइंट में भी कोई प्ले नहीं है, और रैक में भी कोई प्ले नहीं है। ऐसे ही हम फ्रंट के दोनों व्हील बेयरिंग, रैक प्ले और बॉल जॉइंट चेक करेंगे, और रियर का व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। अभी रियर का व्हील बेयरिंग चेक हो रहा है, रियर के व्हील बेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम राइट का भी चेक करेंगे। नाउ गाइस, अगले स्टेप में हम इस कार के चारों टायर्स डिमाउंट करेंगे एंड इसके चारों ब्रेक्स इंस्पेक्ट करेंगे। फ्रंट के दोनों डिस्क ब्रेक और रियर के ड्रम ब्रेक्स दोनों इंस्पेक्ट करके उसे सर्विस करेंगे। अभी फ्रंट का ब्रेक इंस्पेक्शन हो रहा है, इसमें ब्रेक का कंडीशन और डिस्क का कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। ब्रेक पैड का कंडीशन तो गुड कंडीशन है, और ओरिजिनल निसान का ब्रेक पैड है। डिस्क पे माइनर लाइनिंग आई है, हम कस्टमर को इसका स्कीमिंग करने के लिए बोलेंगे, कोटेशन शेयर करेंगे। अगर कस्टमर अप्रूवल देता है तो हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। अभी ब्रेक पैड पॉलिश कर रहे हैं, ऐसे ही चारों ब्रेक सर्विस करेंगे। अभी कैलिपर पिन लुब्रिकेशन करेंगे, बिकॉज हर ब्रेक सर्विस के साथ कैलिपर पिन को लुब्रिकेशन करना चाहिए। अभी रियर का ब्रेक हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। रियर के ब्रेक में लाइनर की थिकनेस तो अच्छा है, और व्हील सिलेंडर भी कहीं से लीकेज नहीं है, तो हम इसका पॉलिश करेंगे, सर्विस करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल कर देंगे।
कार का पूरा ब्रेक सर्विस हो चुका है एंड अभी अगले स्टेप में हम इस कार को और ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड इसका कंप्लीट अंडरवॉटर इंस्पेक्शन करेंगे, जहां हमारे टेक्नीशियन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें इसमें इंस्पेक्ट करते हैं। अभी हम अंडर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अंडर बॉडी इंस्पेक्शन, जिसमें हम गाड़ी के सारे अंदर सस्पेंशन चेक करेंगे, लिंकेज, शॉक ऑब्जर्वर, एक्सल, लिंकेज में कुछ प्ले है क्या, इंजन फाउंडेशन, इंजन ऑयल लीकेज, कूलेंट लीकेज, हेयर ऑयल लीकेज, साइलेंसर चेक करेंगे, साइलेंसर कहीं से इंफेक्ट है क्या या ब्रोकन है क्या, फ्यूल टैंक कहीं से इंफेक्ट है क्या वो चेक करेंगे, रियर सॉकअप लीकेज, स्प्रिंग वगैरह सब चेक करेंगे, पूरी गाड़ी में चेक किए हम लोग, अंडर बॉडी में कोई चीज़ डैमेज नहीं है। कार का अंडर बॉडी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इस कार का पुराना ऑयल ड्रेन करेंगे, न्यू ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करेंगे, चारों टायर्स माउंट करेंगे, कार को नीचे लेंगे एंड देन इसमें 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल फिल करेंगे। अभी हम इसका पुराना इंजन ऑयल ड्रेन कर रहे हैं, इसका भी रियल टाइम अपडेट हम कस्टमर से शेयर करते हैं। गाइस, इस कार का पुराना ऑयल फिल्टर निकाल लिया हम लोगों ने एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वन एंड द न्यू वन। अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे। कार का पुराना ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है एंड अभी हम लोग इसका ड्रेन प्लग टाइट कर रहे हैं एंड देन कार को नीचे लेके इसमें 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल फिल करेंगे। सो गाइस, ऑयल फिल्टर रिप्लेस हो चुका है, अभी अगले स्टेप में हम इस कार में 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं। पूरा 4.5 लीटर इस कार में जाने वाला है, निसान टेरेनो पेट्रोल में। गाइस रिमेंबर, आप ऑप्ट कर सकते हो 5W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल के लिए, जो आपकी कार की परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, बट उसका एक एडिशनल कॉस्ट होगा ओवर द जनरल सर्विस। इसका भी रियल टाइम अपडेट हम ओनर से शेयर करते हैं। सो अभी पूरा 4.5 लीटर इसमें ऑयल चला गया है एंड अभी हम लोग इसे इसके डिपस्टिक से चेक करेंगे कि प्रॉपर मार्क में पहुंचा है कि नहीं। सो ये प्रॉपर मार्क में पहुंच चुका है। नगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका कूलेंट टॉप अप करने वाले हैं। हम लोग चेक करेंगे इसका मिनिमम और मैक्सिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल तक इसे टॉप अप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इस कार का ब्रेक फ्लूइड टॉप अप करने वाले हैं। ये है .4 ब्रेक फ्लूइड स्पेशली फॉर दिस कार। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका एयर फिल्टर और एसी फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एयर फिल्टर बहुत ही जाम है। सो अकॉर्डिंग टू आर टेक्नीशियन, इसका एयर फिल्टर बहुत ही बुरे कंडीशन में है एंड हमें ओनर से अप्रूवल आ चुका है टू रिप्लेस दिस। सो नाउ वी आर इंस्टॉलिंग दिस न्यू एयर फिल्टर। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वन एंड द न्यू वन। सो अभी ये इंस्टॉल करेंगे। गाइज रिमेंबर, एयर फिल्टर का रिप्लेसमेंट और एसी फिल्टर का रिप्लेसमेंट दोनों का एक एडिशनल कॉस्ट होता है ओवर द जनरल सर्विस। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका एसी फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। सो एसी फिल्टर का कंडीशन अच्छा है। सो हम लोग इसे एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। हम इस कार के चारों स्पार्क प्लग्स ओपन करने वाले हैं एंड उसे फिलर गेट से इंस्पेक्ट करेंगे। चारों स्पार्क प्लग चेक कर रहे हैं। चारों स्पार्क प्लग में हम इसका पहले शैंक देखेंगे, शैंक पे कोई क्रैक वगैरह है क्या, और इसको फिलर गेज से इसका गैप चेक करेंगे। चारों
चलो स्पार्क प्लग के गैप तो ओके है, अभी हम इसको सर्विस करके इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे। नाउ गाइस, अगले स्टेप में हम इस कार का बैटरी चेक करने वाले, बैटरी की हेल्थ चेक करने वाले वाया मल्टीमीटर। कार को हम लोग मल्टीपल टाइम स्टार्ट करेंगे और बंद करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि बैटरी की हेल्थ क्या है। बंद करो। अभी हम लोग इसके सारे इलेक्ट्रिकल्स ऑन करेंगे एंड कार को स्टार्ट करेंगे, इससे पता चलेगा कि कार की बैटरी ड्रेन कितनी हो रही है। बंद करो। स्टार्ट। पहले तो टायर का पूरा इंजेक्शन करेंगे, टायर में देखेंगे क्रैक हो रहा है जो देखिए, देख सकते हो अब इसका क्रैक स्टार्ट हो गया है, क्रैक होना। और ये टायर 2014 का है। ये हम टायर का डेप्थ चेक करेंगे डेप्थ गेज पे। ये टायर का डेप्थ गेज है, ये 3 mm बता रहा है, इसका डेप्थ 3 mm है। अभी हम लोग इसका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करने वाले हैं, जैसे कि इसके हेडलाइट्स, हैजर्ड लाइट्स, फॉग लाइट्स, हॉर्न, इंटीरियर में FM, AC एंड मेनी मोर। हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, हाई बीम, लो बीम, हैजर्ड्स, हॉर्न, वाइपर्स, रियर ब्रेक लाइट्स, रियर हैजर्ड्स, रिवर्स लाइट, रियर वाइपर्स। ऐसे अभी हम इसके चारों पावर विंडोज इंस्पेक्ट करेंगे। कैबिन लाइट्स, AC, FM, ORVMs। हम लोग चेक करें कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई लाइट्स है कि नहीं है, सो देर आर नो एरर्स। गाइस, कार का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन हो चुका है एंड अभी हम लोग जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में है। अभी हम इस कार को एक्सटीरियर फोम बॉडी वॉश करेंगे, इंजन बे को पॉलिश करेंगे, टायर पॉलिश करेंगे एंड इंटीरियर में हम लोग इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे एंड डोर पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। गाइस, अगर आपने ये वीडियो अब तक देख लिया एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। गाइस, इस कार की जनरल सर्विस कंप्लीट हो चुकी है एंड द फाइनल प्राइस इज 4999 रुपीज़ ओनली। इसमें हम लोगों ने 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ किया है। गाइस, रिमेंबर, यू कैन ऑप्ट फॉर 5W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो आपकी कार की परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा एंड उसका एक एडिशनल कॉस्ट होगा ओवर द जनरल सर्विस। इस कार का सर्विस ड्यूरेशन है 6 months और 10,000 किलोमीटर विच एवर कम्स अर्लियर। इस कार में हम लोगों ने एयर फिल्टर रिप्लेस किया है, उसका एक एडिशनल कॉस्ट था ओवर द जनरल सर्विस। AC फिल्टर अच्छी कंडीशन में था, इसलिए हम लोगों ने उसे ए सर्विस करके इंस्टॉल कर दिया। गाइस, अगर आपने ये वीडियो अब तक देख लिया एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।